दोस्तों नमस्कार, मैं शेफ जब्बर सिंह नेगी और स्वागत करता हूं आपके अमृतसर किचन में। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी ग्रेवी बारे में बताता हूं जो रेस्टोरेंट होटल में ज़्यादातर यूज होती है, और इसको कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाई जाती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो टमाटो ग्रेवी बनाने के लिए मेरे पास है ये 4 किलो टमाटर, इसको मैंने अच्छी तरीके से धो के रख लिया। पतीला हमारा गर्म हो चुका है, इस पर डालेंगे हम ऑयल और साथ में डालूंगे इसमें 1 किलो मेरे पास रफली कटा हुआ प्याज है और साथ में मैं डालूंगा जो टमाटर को मैं रफली काट दिया था अभी, जो मैंने अभी टमाटर इसमें डालूँगा मैं जिंजर, थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा डालेंगे इसमें गार्लिक, थोड़ा डालूंगा इसमें 4 कश्मीरी चिल्ली और इसमें डाल लूँ मैं 2 चम्मच देगी मिर्च। देगी मिर्च से क्या है, ग्रेवी का एक बहुत बढ़िया कलर आ जाता है। और साथ में डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, नमक से हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। और अभी हम इनको थोड़ा भूनेंगे ऑयल के साथ, इसको हमने ऐसे भूनना है यहाँ पे अभी थोड़ा देर, जब तक टमाटर हमारे गले नहीं तो इसको हम भूनते रहेंगे। इसमें मैं कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा काजू ऐड साथ में, तो काजू को ऐड करके मिक्स कर लेंगे थोड़ा काजू को साथ में, इसको हम थोड़ा देर के लिए ढक्कन मार लेते हैं ताकि टमाटर गल जाए। अभी हम चेक करेंगे टमाटर हमारे गल चुके हैं अच्छी तरीके से, टमाटर हमने अपना पानी छोड़ दिया। अभी हम इस पर पानी ऐड करेंगे, तो इसमें मैं डाल रहा हूँ पानी और इसको पानी ऐड करेंगे हम, इसको अभी हम इसके लिए 15-20 मिनट तक छोड़ देते हैं इसको पकने के लिए ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल जाए। तो टमाटर को चेक कर लेते हैं हम और टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। और अभी हम इनको ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो अभी हम पतीले में तेल डालेंगे, थोड़ा सा हमने डाला तेल और इसमें मैं डालूँगा थोड़ा होल स्पाइसेस, तेज पत्ता, ग्रीन इलायची, काली इलायची, लौंग एंड दालचीनी, इसको हम थोड़ा हल्का चटकने देते हैं। तो अभी मैं डालूँगा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालता हूँ और इसको हम अच्छे तरीके से भुनेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट को। जिंजर गार्लिक हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है और मैं अभी इसमें डाल रहा हूँ देगी मिर्च, 1 चम्मच देगी मिर्च डाल के मैंने थोड़ा सा और डालूंगा ताकि इसका कलर भी बहुत बढ़िया आ जाए। जो मैंने ग्रेवी पीस कर रखी थी और इसमें डाल दूंगा टमाटर ग्रेवी को और इसको अभी अच्छे तरीके से पकने देते हैं। ग्रेवी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है और अभी मैं इसमें कर रहा हूँ नमक ऐड, मैंने नमक नहीं डाला था, थोड़ा सा नमक डालूंगा मैं। और अभी मैं ऐड करूँ शुगर, क्योंकि टमाटर खट्टे होते हैं हमारे, तो मैं 2 चम्मच इसमें शुगर ऐड कर रहा हूँ। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं और ग्रेवी का एकदम बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। दोस्तों ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो की आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।